जाता है कि बाप दादा दोनों रियाज करते हैं, तो दो बेहद के बाप है और एक ब्रह्मा है, वो आपस में दोनों रियाज करते हैं। बाप जो रूहानी बाप है वो जिस्मानी बाप के बगैर कोई काम करता है, हैं? तो वो तो दोनों एक ही हो गए, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है। या रूहानी बाप और बेहद का जिस्मानी बाप अलग अलग पर्सनालिटी है, हैं? एक ही पर्सनालिटी है। फिर रू रिहान होती है बाप दादा में, तो बाप पर्सनालिटी अलग है और दादा पर्सनालिटी अलग है। दादा उसको कहा जाता है जो 500 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता है, कौन है? कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में है और सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ ही होता है मन बुद्धि से पार्ट बजाने वाला। कृष्ण की आत्मा का साकार प्रैक्टिकल शरीर नहीं है, छूट गया। परंतु सूक्ष्म शरीरधारी तो है, मन बुद्धि से विचरण करने वाला तो है। और जो बाप है वो भी प्रैक्टिकल पार्टधारी है, परंतु वो सूक्ष्म वतनवासी बन सकता है या नहीं बन सकता है? है? कौन सा बाप? राम वाली आत्मा सूक्ष्म वतनवासी बन सकती है। शिव बाप को सूक्ष्म वतनवासी बनने की दरकार नहीं है, वो तो असोचता है। तो जब बाप दादा कहा जाता है तो राम कृष्ण की आत्माएं आपस में रूह रिहान करती हैं। और बाबा सुप्रीम कोर्ट मनन चिंतन मंथन नहीं करती है, इस संत से जो मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान सुनाया जाता है क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाती? मनन चिंतन मंथन जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो अपने अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करेगा, या जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता वो मनन चिंतन मंथन करेगा? है? जो जन्म मरण के चक्र में आता है उसे मनन चिंतन मंथन करने की यह दरकार है। जब तक उसे 84 जन्मों का पक्का मंथन न हो जाए, पक्की जानकारी न हो जाए, तब तक वो हीरो पार्टधारी नहीं कहा जा सकता। हीरो पार्टधारी और जो छोटा मोटा पार्टधारी होते हैं उनमें कुछ फर्क होता है या नहीं होता है? या कोई को भी हीरो पार्टधारी का पार्ट दे दिया जाएगा? हैं? नहीं दिया जा सकता। तो जो हीरो पार्टधारी है मनन चिंतन मंथन तो वो ही करता है, परंतु उस मनन चिंतन मंथन को कोई वेरीफाई करता है या नहीं करता है?
है? कौन करता है? ब्रह्मा की सोल करती है या शिव की सोल करती है? तो जो वेरीफाई करती है वो ही सुनाने वाली है, ऐसी नहीं कि हम प्रजापिता से सुनते हैं या ब्रह्मा से सुनते हैं, ऐसे अगर बुद्धि में रखेंगे तो फिर ज्ञानियों की लिस्ट में आएंगे या द्वापर युग से जिनकी माला बनती है भक्तों की उस भक्तमाला में आ जावेंगे। कौन सी माला में आवेंगे? भक्तमाला में आ जावेंगे। और बालिका कोई सामना करता है, बाली का कोई सामना करता है, किसका? बाली हाँ, तो उसकी उसकी आधी ताकत वहाँ खत्म हो जाती है। हाँ जी, तो इसका कोई बात में मिसाल है क्या? मुरली में क्या बोला है? कुछ बोला है इस बारे में? बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए? अगर बाप का सामना करेंगे तो सामना करते ही आधी ताकत खत्म हो जाएगी। माता दादी का बोल रहे हैं ना, एक बार वो क्लास करने आ रही थी और मधुबन में, तो सामने दाढ़ी वाली बाबा को देखकर वापस चली गई। हाँ, तो ये बात परिणाम स्वरूप है क्या? दाढ़ी वाला बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं है? और बाबा, विष्णु को और शंकर को भी देह अहंकार हो सकता है? हाँ, विष्णु के जन्म है या नहीं है? है? जब विष्णु के भी जन्म है, जन्म तो है, और शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी है या नहीं है? पुरुषार्थी होने का प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है? याद में बैठी है। तो संपन्न है या असंपन्न है? असंपन्न पुरुषार्थी है, तो देवान आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकते है। और बाबा, जब इमर्ज किया जाता है किसी को, तो वो इमर्ज करना संकल्पों की श्रेणी में आता है? हैं? इमर्ज करना संकल्पों की श्रेणी में आता है? हाँ। तो फिर जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि बाप बच्चों को इमर्ज करते हैं, हाँ? तो शिव तो निसंकल्पी है। हाँ? तो वो इमर्ज कैसे करते हैं बाबा? जैसे बाप बच्चों से पोता मेल लेता है, तो पोता मेल अपने लिए लेता है या साकार के लिए लेता है? ऐसे ही शिव जो असोचता है वो सोचता में प्रवेश करता है या नहीं? तो जिसमें प्रवेश करता है उसी के द्वारा सोच विचार करता है। तो बाबा, जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शिव बाबा, शिव जो है वो कई बार राम वाली आत्मा को इमर्ज करके बात करते हैं, तो उस समय मतलब इमर्ज जब किया जाता था तो उस समय ब्रह्मा की आत्मा की द्वारा सोचकर किया जाता था? शिव बाप जब भी ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो आत्माओं का बाप बन करके नहीं प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं? है? वो मां बन करके प्रवेश करते हैं। मां देह अभिमानी होती है
कि आत्माभिमानी होती है। दो रूप दिखाए हैं जो कंबाइंड रूप में होते हैं, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो ब्रह्मा में मां का रूप है, जब इमर्ज करता है तो भी बाप का एक रूप है, बाप बहुरूपी है कि एक रूपी है, मां का भी रूप धारण करता है, बाप का भी रूप धारण करता है। और बाबा लेकिन मुरली में जैसे बाबा ने बताया है कि गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा भी वन है, तो शिव के लिए तो इस तमाम सृष्टि में एक ही ऐसा बच्चा है ना, राम वाली आत्मा। जो पुरुषार्थ में आगे जाए, जो पुरुषार्थ में ज्ञान में आगे जाए, ज्ञान में बड़ा, तो हम समझते हैं कि वो बड़ा बच्चा है। तो शिव के लिए तो एक ही बच्चा हो गया ना बाबा। बड़ा बच्चा तो हर बाप का एक ही होता है, तो बड़ा बच्चा नहीं, लेकिन बाद में के जो बच्चे हैं वो भी बच्चा सिद्ध होगा क्या? बाद में जो होते हैं वो छोटे पहले के मुकाबले। बाबा मुरली में पॉइंट गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा भी वन बोला, बड़ा बच्चा वन को बोला नहीं। हाँ, गॉड जिसको कहा जाता है वो सदैव निराकार है कि कभी साकार भी होता है, वो तो सदैव निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। और जो गॉड है वो अगर आकर किसी को परिपूर्ण बनाता है तो वो 100% है तो 100% ही बनाएगा ना, जैसे आज बाबा ने कहा भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। हाँ। लेकिन परंतु जिनको भगवान भगवती बनाते हैं उनको आप समान सदा काल के लिए बनाते हैं कि फॉर दी टाइम बीइंग के लिए बनाते हैं, ये अंतर है। तो उस दृष्टि से तो वही एक आत्मा हो गई ना, गॉड का बच्चा। दुनिया में भी कहा जाता है बच्चा बाप की स्टेज लेता है, बाकी बाप नहीं हो जाता है, तो ऐसे ही है। इसीलिए शिव और शंकर को मिलाया गया, बाकी किसी अन्य शिव और शंकर को जिन्होंने मिलाया है वो मिलाने वाले आत्मिक स्थिति वाले हैं या देवान की स्थिति वाले हैं, और जिन्होंने समझा है कि शिव अलग है शंकर अलग है वो आत्मिक स्थिति वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिन्होंने आत्मा को अलग अलग करके देखा है, देह के आधार पर नहीं देखा है, ये आत्मिक रूप में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। एक आत्मा जिसका नाम ही शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और दूसरी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। शंकर का भी नाम शरीर के ऊपर है, या आत्मा का नाम शंकर है, शरीर का नाम शंकर है। और लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को जो जन्म देते तो वाइब्रेशन से देते, उनके साथ जो 2.25 लाख जोड़ी है वो भी बच्चों को वाइब्रेशन से जन्म देंगे, तो आंखों के प्यार से देंगे। 2.25 लाख कौन से जोड़ी लक्ष्मी नारायण के साथ है, 2.25 लाख आएंगे, सब युग में पहले बैठे 4.5 लाख। 4.5 लाख में 2.25 लाख स्त्री चोले, 2.25 लाख पुरुष चोले, दोनों ही मिलकर के 4.5 लाख माँ बाप हैं। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण है तो वाइब्रेशन से बच्चों को जन्म देते हैं। वो 4.5 लाख में दोनों में ये प्रैक्टिस है, वाइब्रेशन की स्टेज में टिकने की।
देवान नाम मात्र को भी नहीं है, दोनों ही समान पुरुषार्थी है। फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो कुछ न कुछ देवान वाली होगी या नहीं होगी? है, होगी। तो श्रेष्ठ इंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आंखें हैं, वो आंखों में कुछ न कुछ देवान होता जरूर है, जिससे राधा कृष्ण जैसे बच्चे अपनी अगली जनरेशन को जन्म देते हैं। राधा कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, तो जिन बच्चों को जन्म देंगे वो कुछ कमजोर बच्चे होंगे या 16 कला को ही जन्म देंगे? है, कुछ न कुछ कमजोर होंगे। अगर जन्म जन्मांतर ये प्रक्रिया न चली होती कि बच्चे से बाप ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा प्योरिटी वाला होता है, तो कलयुग के अंत में आकर के जो भी 84वें जन्म की जनरेशन है उनके शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन ऐसा ही पावरफुल होना चाहिए जैसा पहले के जन्मों में था, या एवरेज एज कम होती जाती है, कम होती जाती है। इससे साबित होता है कि पहले की जनरेशन पावरफुल और बाद वाली जनरेशन कमजोर होती है। नारायण जो भक्ति में माला है, नारायण भक्ति में जो है भक्ति के टॉप है, और नारायण भी, नारायण नहीं नारद, मीरा और नारद, मीरा कहा जाता है शाहजादी को। और मीर कहा जाता है शाहजादे को। ये शाहजादा और शाहजादी का लकब शुरू कब से हुआ है? द्वापर से शुरू हुआ। अरे शब्द, शब्द का अर्थ होता है ना, तो अर्थ के आधार पर देखा जाए तो ये शाहजादी शाहजादा कब से शुरू हुआ है? संगम पर है? क्यों? जो संगम युग के लक्ष्मी नारायण हैं, उनके जो बच्चे होंगे जब तक गद्दी पर नहीं बैठे तब तक शाहजादा शाहजादी नहीं हुए है? हुए। उनका कब संगम में फाउंडेशन पड़ा होगा है? ब्रह्मा और सरस्वती, सरस्वती बेटी को कहा जाता है या पत्नी को कहा जाता है? बेटी थी, लेकिन पार्ट जो बजाया है साथ साथ, उससे क्या साबित होता है? है, जो मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा, अरे ब्रह्मा किसी का बच्चा है, रचना है या रचयिता है?
रचना है। तो ब्रह्मा का जो बाप है जगदम्बा का भी वो ही बाप है। जनरेशन फर्क पड़ जाता है, तो जो फर्क है वो ही शाहजादा शाहजादी मीर और मीरा का नाम है। जो ब्रह्मा रचयिता बाप से जन्म लेता है वो ज्ञानी तो आत्मा है या भक्त आत्मा है? संगम युग के प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में क्या है? भक्त आत्मा है। और भक्तों में पहले नंबर की आत्मा है या बाद वाले नंबर की आत्मा है? हैं? पहले अव्वल नंबर भक्त है, इसलिए नारायण की सरणी वहां से शुरू हो जाती है। नारायण क्या करता है और नारद क्या करता है? नारद में और नारायण में कोई अंतर है या नहीं? नारायण स्वर्गवासी दिखाया जाता है, बैकुंठवासी, और नारद सदैव बैकुंठ में रहता है मन बुद्धि से, या नरक की दुनिया में भी चक्कर काटता रहता है? हैं? नरक की दुनिया में भी चक्कर काटता है। ये अंतर हो जाता है नारद में और नारायण में। नारद का अर्थ यह है, नार माने ज्ञान, जल द माने देने वाला। दूसरों को ज्ञान जल तो देता है लेकिन खुद क्या करता है? ज्ञानी को नई दुनिया में भ्रमण करना चाहिए, नई दुनिया बनाने वाले बाप में भ्रमण करना चाहिए, नई दुनिया में जाने वाली आत्मा का चिंतन करना चाहिए या पुरानी दुनिया का चिंतन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए? है? अगर पुरानी दुनिया में भ्रमण करता रहे तो नाम क्या पड़ जाता है? नारद। तो नारद एक है या अनेक है? हैं? अव्वल नंबर जरूर एक ही होगा। हर बाबा बोली में आया था, मैं तेरा ही बाप टीचर सदगुरु हूँ। हाँ हाँ। तो ये किसने किसको कहा है बाबा? पहले ये निश्चित करें कि कौन सी आत्मा बाप और कौन सी आत्मा टीचर और कौन सी आत्मा साकार शरीर में आकर के सदगुरु बनती है, वो कौन सी आत्मा है? शिव। और किसको पहले पढ़ाता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसी को, उसको पहले पढ़ाता है। तो क्लियर हो गया? तो बाबा तो वही तो गॉड इज बन, तो गॉड का बच्चा भी बन जो बात आती है। हाँ? तो यहाँ बाप टीचर सदगुरु शिव, शिव के रूप में सिर्फ एक कोई है, बाकी सभी के लिए शिव बाबा है ना? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, तेरे लिए बाबा बाबा कोई नहीं है। वो तो एक के लिए बात हो गई ना बाबा। हाँ जी। शिव की जब बात की जाती है तो शिव को डायरेक्ट कोई आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, सिवाय एक के। हाँ। तो गॉड का डायरेक्ट बच्चा अगर कहा जाता है, हाँ। इस बन तो गॉड का डायरेक्ट बच्चा बन। हाँ। तो एक ही सिद्ध होता है, तो दो चार कहाँ सिद्ध होते हैं? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, तो इसमें बड़े और छोटे की बात ही नहीं आती। अरे बाकी बच्चे उससे छोटे हैं या बड़े हैं? लेकिन बाकी बच्चे तो शिव बाबा के बच्चे हो जाते हैं ना बाबा। वो आत्मिक स्थिति धारण करेंगे तब, जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक किसके बच्चे हैं? पुरुषार्थ मनुष्य करता है या भगवान करता है या देवता करते हैं?
तो वो किसके बच्चे हैं? ब्राह्मण बच्चे बने कि नहीं बने? ब्राह्मण बच्चे तो बने, तो ब्राह्मण नंबरवार हैं, सब अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं। हाँ, तो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, तो जरूर दो नंबर के कोई ब्राह्मण होगा, दो नंबर का देवता बनने वाला भी होगा। तो बाबा, जब शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश करके जो 18 अध्याय चलाई, जो मुरली चलाई गई, तो उस समय वो मुरली पूरी की पूरी तरह से उसी एक आत्मा के लिए लागू कराया जाता है ना? मुरली जो है वो बता दिया कि वो गीता माता तो है, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं है जिससे संसार का कल्याण हो। कल्याण तब होगा जब नंबरवार स्वयं अपनी अपनी आत्मा का मंथन किया जाए, ज्ञान का मंथन किया जाए। तो अमृत चाहिए या सिर्फ गीता चाहिए? गीता सदगति दाता है या बाप सदगति दाता है? गीता माता तो है, और गीता माता सब शास्त्रों में श्रेष्ठ माता है। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे धम्मपद हो, जो भी शासन करने वाली माताएं हैं घर गृहस्थ में, घर गृहस्थ का शासन कौन करती है? माता करती है। तो जो भी माताएं हैं उन माताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ माता गीता तो है, लेकिन गीता पति भगवान नहीं है। और बाबा, गीता में दो दृष्टांत आता है बाबा। गीता में दो दृष्टांत आता है, एक भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं, गीता ज्ञान सुना रहे हैं, और दूसरा है कि उसी गीता ज्ञान का जो है संजय धृतराष्ट्र को उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा, अर्जुन पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली जो आत्मा है अर्जुन, वो तो एक ही है जिसको ज्ञान दिया। जैसे बात आती है कि शिव आकर पहले ज्ञान देता है उसे, और वही फिर संजय बनकर बाकी बच्चों को ज्ञान देता है। संजय कहा जाता है जो दिव्य नेत्र से साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करना वो भी दिव्य नेत्र से, वो डायरेक्ट भगवान से सुनता है या दिव्य नेत्र के द्वारा सुनता है, देखता है? दिव्य नेत्र के द्वारा। तो अंतर हुआ या नहीं हुआ? तो फिर बाबा, हम जब पढ़ते हैं, हम गीता ज्ञान हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं ना, ठीक है? तो हमारे लिए तो रथ में रथी अर्जुन और उस रथ को संभालने वाला सारथी शिव, ये तीनों हमारे लिए एक ही है, एक ही स्वरूप में, एक ही पर्सनालिटी है वही हमारे लिए शिव बाबा है। तो हम फिर किस कौन से हो गए? हम बच्चे कहाँ हो गए? क्योंकि बाबा बोलते हैं मैं आकर तुम अर्जुन रूपी आत्माओं को पढ़ाता हूँ। अर्जुन तो एक ही होगा जिस रथ का आधार शिव लेता है, क्योंकि शिव तो है एक व्यापी, सर्वव्यापी तो नहीं है। रथ में आकर पढ़ाता हूँ, तो रथ जो है किसका है? अर्जुन। तो पहले अर्जुन को पढ़ाता हूँ, ये सभी आत्माओं को साथ साथ पढ़ाता हूँ। तो अर्जुन अलग है तो शरीर का नाम, लेकिन कोई पेक्युलियर आत्मा है ना,
स्पेशल आत्मा है ना, जो उस रथ का मालिक है उसको पढ़ाता हूं। पढ़ाने वाला अव्वल नंबर अर्जुन को जो पढ़ाता है वो निराकार है या साकार है? अव्वल नंबर को तो निराकार पढ़ाता है। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो शिव 7-8 साल के लिए परमधाम में चला गया या साकार सृष्टि पर ही रहा? साकार सृष्टि में सर्वव्यापी होकर रहा या एक व्यापी होकर रहा? एक व्यापी जो होकर रहा, उस एक व्यापी शिव ने अपने को गुप्त रखा या प्रत्यक्ष रखा? जैसे गर्भ में आत्मा आती है तो गुप्त होती है या प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है? क्या होता है? तो गुप्त रहने के टाइम पर उसने पढ़ा। किसने? अव्वल नंबर अर्जुन ने पढ़ा। फिर जब उसके रथ से प्रत्यक्ष हुआ, जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76, तब नंबरवार दूसरे बच्चों ने पढ़ा। सुना? तो अंतर पड़ जाता है। लेकिन वो जो गुप्तता है वो तो दुनिया के लिए है ना, जिसमें प्रवेश हुआ उनके लिए भी गुप्तता थी क्या? अम्मा के पेट में आत्मा प्रवेश करती है तो अम्मा को गुप्त रहता है या अम्मा अंदर से समझती है कि कुछ चुर्रुपुर्रु हो रहा है, या दुनिया वालों को प्रत्यक्ष हो जाता है? माँ को ही पता चलता है, और वो भी एग्जैक्ट पता नहीं चलता। आप जो बात है आपको सबको मीठी मीठी मिट्टी देते हैं, तो शिव तो बिंदी है, तो आप जब मिट्टी देते हो तो आत्माओं को देखते हो कि शिव को देहधारी तो देहधारी कोई देखेगा। जो तमो प्रधान है वो क्या देखेगा है? ये बताओ, जो पूछते हैं उसका जवाब दो। तमो प्रधान किसको देखेगा है? तमो प्रधान का संग करेगा, और सतो प्रधान शिव है, वो शिव हमारे पहले जन्म की आत्मा को देखता है, सतो प्रधान स्टेज को देखता है। अब ये देखने वालों के ऊपर है वो किसको देखते हैं। साकार को निराकार में देखते हैं। आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ सब की बात हो रही है। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देगी। हाँ। हाँ। जगदम्बा करके या भवानी माता को याद करके वो जाते थे, इसका बेहद में अर्थ क्या है? शिवाजी महाराज जो है आत्मा, वो तमो प्रधान युग की आत्मा है या सतो प्रधान युग की आत्मा है? है तमो प्रधान कलयुग की आत्मा है, और तमो प्रधान कलयुग की आत्मा शिवाजी अपने सीढ़ी के चित्र में कैसी भक्ति करेगी? तमो प्रधान भक्ति करेगी या सात्विक भक्ति करेगी? तो सीढ़ी के चित्र में भारत की जीवन कहानी दिखाई गई है,
भारत सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान हो जाता है। सीढ़ी के चित्र में ध्यान से देखो, बाबा ने तो सब कुछ बताई दिया। सीढ़ी के तमो प्रधान युग में किसकी पूजा होने लगती है? देवियों की पूजा होने लगती है। तो शिवाजी ने गलत काम किया, सही काम किया, या ड्रामा प्लान अनुसार किया? है ड्रामा प्लान अनुसार किया। और है माया तो है, लेकिन योग लगाने वाली है। इतना योग लगाती है कि अपनी योग बल के आगे दूसरों को सरेंडर नहीं होने देती है। पहले मैं सरेंडर होऊंगी, फिर तुमको सरेंडर होने दूंगी, तब तक तुमको पहचानने भी नहीं दूंगी। आया ही नहीं है, तुम कहोगे बाप आया है, वो तुम्हारी बुद्धि को घुमा के दूसरी तरफ कर देगी, नहीं आया है, नहीं मानोगे, जबरदस्ती करोगे, माया को जब ऐसा देखने में आएगा कि मैं तो हिल गई, माया हिल जाती है कि नहीं है? माया भी हिल जाती है, तो फिर वो क्या करती है? है हाँ, वो जानती है कि दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल, मेरे से भी जास्ती पावरफुल भगवान की रचना है, उसका नाम है प्रकृति। कृति माने रचना, प्रकृति माने प्रकृष्ट रचना। भगवान जब परम धाम से आता है ना, रचयिता बनकर आता है ना, आता है रचयिता बन के साकार में आता है या निकार निराकार रहता है? रचयिता तो साकार होता है, तो पहली पहली रचना कौन होती है? है कौन होती है पहली रचना? नहीं, पहली रचना पत्नी होती है। पहली रचना कौन हुई? गीता माता, वो ही प्रकृति है। उस प्रकृति से माया हाथ मिलाती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, फिर प्लानिंग करती है ताकि फाइनल पेपर में इन सब को फेल कर दूं। और मैं पहले सरेंडर हो जाऊं, मैं पहले बाप की बनूंगी, बच्चों को नंबर बाद में लेने लेगी, तो माया ज्यादा पावरफुल हुई या प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई? प्रकृति को भी सरेंडर नहीं होने देती, प्रकृति तो है ही जड़ बुद्धि। अभी तो बाबा आधार और बीज दोनों एक हो गई है ना? आधार और बीज दोनों एक हो गई है। हाँ, जो बीज है वो रुद्रमाला के बीजों के बीच में सबसे पावरफुल बीज है या कमजोर बीज है? पावरफुल है। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं, उन मणकों में लास्ट का बीज है, लास्ट का मणका है या फर्स्ट मणका है, तो पावरफुल है या कमजोर है? कमजोर है।
किस बात में कमजोर है? किस बात में कमजोर है? बुद्धि में कमजोर है या पांच तत्वों वाली कर्मेंद्रियों में कमजोर है? बुद्धि से कमजोर है। माया बुद्धि में जास्ती पावरफुल है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और दूसरा पहलवान तो नहीं है, बहुत कमजोर है, लेकिन बुद्धि का तीखा है, तो कौन जीत जाता है? बुद्धि वाला जीत जाता है। ऐसे ही है, माया पहलवान नहीं है पांच तत्वों के हिसाब से, प्रकृति पहलवान है। इसलिए रावण के 10 सिरों में जो 5 सिर हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये प्रकृति के रूप हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया के रूप हैं। अभी माया सूक्ष्म रूप धारण कर चुकी है या अभी भी स्थूल रूप में है? है? नहीं, आधार मूर्त में सूक्ष्म रूप धारण किया है। बीज रूप में तो साकार में है, जो बीज रूप है वो भी मनन चिंतन मंथनशील बनता है या नहीं बनता है? है, बनता है। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ रूपी आधार ज्यादा पावरफुल होता है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे भी एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई थी तो बीज रूप में जो माया का रूप था वो पहले सरेंडर हुआ था या प्रकृति पहले सरेंडर हुई थी? माया का जो बीज रूप था वो पहले सरेंडर हुआ था। इसलिए पावरफुल है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं। और है प्यार का भूखा कहा जाता है? प्यार का भूखा कहा जाता है बाबा को? बाबा को भगवान प्यार का भूखा है। सच्चा प्यार कोई देता नहीं है? सच्चा प्यार कोई देता नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान तो जानता है। भगवान जानता है या कि नहीं जानता है कि सच्चा प्यार भी देने वाला कोई है दुनिया में या नहीं है? बाबा की आंख में किसी को आंसू आते हाँ, कोई रोता है तो उसे क्या कहेंगे? वो कोई भी रूप में आंसू आ सकते हैं। बाबा की याद में? हाँ हाँ, याद भी एक प्रकार की होती है क्या? एक प्रकार की याद होती है, बाती बाती की याद होती है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव बाबा, ये अलग अलग है कि शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों? तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए।
तो कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा इनएक्यूरेट है? जरूर इनएक्यूरेट है तो निकालना चाहिए। तो जो इनएक्यूरेट चित्र है ब्रह्मा बाबा के द्वारा पास किया हुआ है, उसको एक्यूरेट ज्ञान की मूल्यों के अनुसार बनाना चाहिए। तो क्या अंतर करेंगे त्रिमूर्ति के चित्र में? अरे चित्र में त्रिमूर्ति के चित्र में कुछ रद्दो बदल करेंगे या नहीं करेंगे, या पुराना ही चित्र रखेंगे? है क्या रद्दो बदल होगा? शंकर की जगह अगर जगदम्बा बैठा है, जगदम्बा को बैठा हुआ था, वो तो समझाने में सहज होता। ये नहीं बताया कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। जिसको शिव परमात्माय नमः कहा वो त्रिमूर्ति में कौन है? बिंदी है क्या? बिंदी तो नहीं है, तो कौन है? जो है उसके लिए ये भी बता दिया कि यज्ञ के आदि में उसकी लाश भी गुम कर दी। क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञान न होने की वजह से आत्मा अमर नहीं बन सकती। रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही देहभान से मुक्ति मिलती है। तो यज्ञ के आदि में देहभान रह जाने के कारण अकाले मृत्यु हुई। वरना लाश को गुम करने का कोई मतलब ही नहीं। अभी ऐसा नहीं हो सकता। बाबा तो बोलते हैं मेरे को तो कोई नहीं मार सकता। किसको नहीं मार सकता? शिव समान की बात है या औरों की बात है? बिंदु को तो मारने न मारने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मृत्यु देहधारी की होती है, शरीरधारी की होती है, या कि निराकार है, सदाशिव है, उसकी मृत्यु होती है। देहधारी की मृत्यु होती है, जिसको देह है ही नहीं उसकी मृत्यु का क्या सवाल? तो जो अकाल मूर्त गाया जाता है, कालों का काल है, महाकाल है, रुद्र कहा जाता है, महारुद्र कहा जाता है, वो रुद्र नाम शिव का है? है? मेरा तो एक ही नाम है शिव, वो आत्मा का नाम है, वो कभी बदलता ही नहीं, तो रुद्र किसका नाम है? जरूर कोई साकार में रौद्र रूप धारण करने वाला है जिसका नाम रुद्र है, है? जिसमें सत्य हो पवित्रता का, वो ही सती। प्योरिटी का सत्य नहीं है तो सती का ही की।
सत्य किसको कहा जाता है, असत्य किसको कहा जाता है? असत्य माने झूठा और सत्य माना सुच्चा। कहते हैं ना ये दूध झूठा कर दिया हमने पीते, तो ये प्योरिटी की बात है। जो प्योरिटी कन्याएं माता ही धारण करती है, पुरुष चोले के बस की बात नहीं है। कलयुग में उन कन्याओं माताओं में भी नंबरवार है सत्य को धारण करने वाली, एक जैसी नहीं है। तो जो अव्वल नंबर सत्य को धारण करने वाली है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो ही सती है। और रुद्र और अवतरण की बात चल रही थी, त्रिमूर्ति में अंकरित चित्र बनाने की, अभी भी जो पॉइंट चल रहा है, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र क्यों न बनाए तो रौद्र रोग धारण करने वाले की बात चल रही थी। माता जी ने प्रश्न पूछा था पॉइंट, तो वो कौन है रौद्र रूप धारण करने वाला? एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। चित्र बिंद्री को नहीं कहा जाता है, चित्र साकार का ही होता है। तो वो रूपी त्रिमूर्ति कहा जाएगा। अगर जगदम्बा को रखें तो समझाने में सहज क्यों हो जाएगा? है क्योंकि प्रैक्टिकल में असुरों का संहार करना ये शक्तियों का ही काम है। शंकर प्रैक्टिकल में हाथ पांव चला करके संहार नहीं करता है कि धनुष बाण चलाता है, तीर तलवार चलाता है या कोई त्रिशूल है जिसे चलाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मनसा से समझने की बात है। कितनी इंद्रियां हैं? है 11 इंद्रियां हैं। 11 इंद्रियों में राजा कौन है? तो जो मन के संकल्पों से वाइब्रेशन से ही सारा काम कर सकता है, उसको सारी दुनिया नहीं पहचान सकती। जो वाइब्रेशन की पावर वाले हैं वो ही पहचानेंगे। जिनके पास वाइब्रेशन की पावर ही नहीं होगी, वो एकाग्रता की शक्ति ही नहीं होगी, वो तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप को पूरा पहचान भी नहीं सकेंगे जिसके मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करता है। जब पहचान ही नहीं सकेंगे तो चित्र कहां से बुद्धि में आ जाएगा? और पहचानने वालों में भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? पहचानने वालों में भी नंबरवार होंगे। जो जो पहचानते जाएंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करते जाएंगे। बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे सेवा बहुत करते हैं, सेंटर संभालते हैं या नया सेंटर बना के देते हैं, फिर भी मुझे जानते नहीं, तो सेंटर बना के दिया या सेंटर संभाला तो कुछ ना कुछ तो जानते हो। सेंटर बना के देना ये पहचानने की बात है। यह दुनिया में ऐसे साहूकार लोग होते हैं कि धर्म का काम है, अरे भाई दे दो तो कहेंगे उन्होंने पहचाना है में कुछ तो बात आई नहीं।
सिर्फ धन दान करने से सेंटर बनता है, और धन दान तो दुनिया में कोई भी कर देते हैं। धन तीसरे नंबर की चीज है, संभालना बात अलग है। संभालने वाली जो है वो इंचार्ज ब्राह्मणीय है, और सेंटर्स को संभालने वाला तो बाप है या कोई और है? हैं? कौन है तुम्हारी दृष्टि में? हैं? बाप ही संभालने वाला, बाप जिन सेंटर्स को संभालने वाला है वहां संगम युग है, और जहां संभालने वाले और हैं देहधारी वहां संगम युग नहीं हो पाता। और है जीपी में जगदीश भाई को वेदव्यास कहा जाता है, ऐसा बता देते हैं वो कितना पसंद सोचे। व्यास नाम नाम भी है, और नाम के बाद लकब भी है, जिसे व्यास गद्दी कहा जाता है। जैसे सतयुग में नारायण की गद्दी चली, तो जरूर संगम युग में कोई नर से नारायण हुआ डायरेक्ट, उसके बाद सतयुग में आठ गद्दियां चली, वो सब नारायण हैं। ऐसे ही कोई अव्वल नंबर हुआ है व्यास, जिसने शुरुआत की शास्त्र लिखने की, फिर उसके चेले होते गए, एक के बाद एक गद्दी पर बैठते गए, वो व्यास की उपाधि धारण करते गए। आज भी जो शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं वो व्यास गद्दी पर ही बैठते हैं। तो ये उपाधि भी है और नाम भी है, किसी के नाम के आधार पर ही बाद में उपाधि चलती है। और तो वाइब्रेशन की जो शक्ति अभी बाबा ने कहा, तो उसको अपन महसूसता की शक्ति दे सकते क्या? महसूसता तो अभी भी होती है, महसूसता किसको नहीं होती है? जानवरों को भी महसूसता होती है, मनुष्यों को भी महसूसता होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार की महसूसता है। और वाइब्रेशन में उसमें थोड़ा फर्क होता है, वाइब्रेशन में और प्रैक्टिकल इंद्रियों का जो हलन चलन है, कार्य व्यवहार है, उसमें अंतर नहीं है। अगर अंतर का पता नहीं चल रहा है तो हम ये सोचे कि 70-72 साल हो गए इस ईश्वरीय ज्ञान को, अभी मन की एकाग्रता न आने के कारण वाइब्रेशन की शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने तो इशारा दे दिया, अव्यक्त वाणी में भी बता दिया, कि जो देखे जो सुने
किसको देखे और किसको किससे सुने, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सिखों मुसलमानों क्रिश्चियंस का नहीं, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले, चाहे क्रिश्चियन देखे चाहे मुसलमान देखे चाहे सिख देखे, उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया। देखने वाला तो आंख से देखेगा कान से सुनेगा, लेकिन जिसके द्वारा वो सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होगा, उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही होगी कि देखने मात्र से ही किसी को अनुभव होने लगे कि हमारा बाप है। जिसके द्वारा ये साक्षात्कार हो रहा है, हो रहा होगा, उसमें ऐसी कौन सी विशेष शक्ति होगी जिसके आधार पर जो भी सुनेगा जो भी देखेगा वो अनुभव करेगा, कौन सी शक्ति होगी? जैसे नेहरू जी के ढेर विरोधी थे, लेकिन मैं नेहरू जी जब बड़ी सभा में सामने आ जाते थे तो एक भी विरोधी नहीं रहता था, सब उनके अनुकूल हो जाते थे, कभी भी कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला कि नेहरू जी के सामने आकर किसी ने विरोध किया हो। दूसरा मिसाल, विवेकानंद विदेशों में गए, उन्होंने जब चैलेंज दिया तो ऐसा कर्तव्य करके दिखाया कि सारी की सारी सभा उनके पीछे भागने लगी। ये काय की शक्ति थी? ये वाइब्रेशन की शक्ति है। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भागदौड़ करना सीखा है कर्म इंद्रियों से, वाचा से वाणी चलाई है, वाचा पावरफुल हुई है, कर्म इंद्रियों की भागदौड़ से प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन दुनिया की कितनी परसेंटेज आत्माओं को संदेश मिला है? है? विदेशों में जाके देखें कितने परसेंटेज को संदेश मिला होगा। है? फिर तो ये 500-700 करोड़ की दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? भागदौड़ से मिलेगा। एक एक को बैठ करके वाचा सुनाएंगे, मजमा इकट्ठा करेंगे तो संदेश मिलेगा। ये वाइब्रेशन की पावर काम करेगी।